दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो ये एप्स होते हैं और इन एप्स को हम अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हैं या इनको इंस्टॉल हम करते रहते हैं। समय समय पर कोई भी नया ऐप आता है तो हम उसे इंस्टॉल करते हैं और फिर जब हम बोर हो जाते हैं तो उसे डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम कोई ऐप डिलीट कर देते हैं तो उन डिलीटेड ऐप्स को हम दोबारा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए, यहाँ से हमने इंस्टाग्राम का, जैसे कोई इंस्टाग्राम है या कोई और ऐप है, उसे हमने डिलीट कर दिया है। तो उसे हम, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह तो दोस्तों हमारा फेमस ऐप है, तो मान लीजिए कोई ऐसा ऐप जो हमने, जैसे कोई मतलब गेम का ऐप हो या कोई ऐसा ऐप हो जो हमने डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो हम उसका नाम हम भूल चुके हों, तो वो नाम हमें याद ना हो, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा ऐप इंस्टॉल करा था और वो डिलीट कर दिया और उसके बाद हमें दोबारा वही ऐप इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये प्ले स्टोर हमारा ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, हमें कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करना होता है तो यहाँ से सर्च बार में जाकर हम कोई भी नया ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब हमें नाम ही नहीं पता कि हमने कौन सा ऐप इंस्टॉल करा था और बाद में उसे डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, ये जो है आपके साइड में होता है प्रोफाइल का लोगो, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से दोस्तों लिखा होता है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, यहाँ से हम मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये हम मैनेज ऐप्स और डिवाइस पर आ गए हैं और यहाँ मेमोरी वगैरह बताता है, ये कई सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैनेज का ऑप्शन है, इसके बाद ये वाला मैनेज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ रहा है इंस्टॉल्ड, अपडेट्स अवेलेबल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि ये सारे हमारे इंस्टॉल ऐप हैं, ये हमने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करे हुए हैं ऐप, ये अपडेट्स यहाँ पर, ये इनके अपडेट्स अवेलेबल हैं, जो जौन से ऐप्स के होंगे, ये गेम्स हैं। तो अभी हमें दोस्तों, जो डिलीट हमने कर दिए थे ऐप्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम चले जाएंगे इंस्टॉल्ड ऐप, इस पे देखिए एरो का निशान आ रहा है यहाँ पर, इस पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉट इंस्टॉल्ड, तो दोस्तों यहाँ से हम नॉट इंस्टॉल्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये नॉट इंस्टॉल्ड यानी कि ये वाले जो ऐप्स हैं, ये सारे हमने इंस्टॉल करे थे और बाद में उसे हमने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ पर, तो ये सारे ऐप्स हमने इंस्टॉल करके डिलीट कर दिए थे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपने कौन सा ऐप ऐसा है जो आपका, जिसका नाम याद नहीं आ रहा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भैया, ये था तरीका कि कोई भी डिलीटेड ऐप्स जो है दोबारा कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।